देखिए स्टूडेंट्स, कार्बेंस कंपाउंड का नेक्स्ट लेक्चर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था कि कार्बन सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड ही बना सकता है। वजह क्या होती है कि ना वो चार इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है ना वो चार गेन कर सकता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा इन कोवेलेंट कंपाउंड्स को हम लोग बनाते कैसे। जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, पहले उसमें शेयरिंग बॉन्ड्स, शेयरिंग बॉन्ड आप जानते हैं अब तो अच्छे से कि शेयरिंग बॉन्ड वो बॉन्ड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से बनते हैं। ऐसा नहीं कि लॉस किया जाएगा, ऐसा नहीं कि गेन किया जाएगा, क्योंकि अगर वो लॉस और गेन हो गया तो बच्चे कैटेगरी में आएगा वो है बच्चों आयनिक बॉन्ड। जहां पे शेयरिंग नहीं होता है वहां ट्रांसफर होता है। आपने किसी से अमाउंट किसी को दे दिया या किसी से ले लिया तो आपने आयनिक बॉन्ड बनाया, लेकिन आपने किसी के साथ पैसे शेयर करके कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाया। तो कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है और आयनिक बॉन्ड आपके इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से कैसे कैसे हम देख पाते हैं आसपास में। पहले बच्चों हम बात करेंगे तीन तरीके के कोवेलेंट बॉन्ड की। एक होता है सिंगल बॉन्ड, जहां बच्चों दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, मतलब पर एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन, पर एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन आप शेयर करते हैं पर एटम। ऐसी बच्चों होता है डबल बॉन्ड, जिसमें कि आप स्टूडेंट्स पर एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ऐसे ही बनता है बच्चों ट्रिपल बॉन्ड, पर एटम आप तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। सिंगल बॉन्ड एक सिंगल लाइन से, डबल बॉन्ड दो लाइन से, और ट्रिपल बॉन्ड बच्चों ऐसे तीन लाइन से शो किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों आप सभी बच्चों ने ऑक्टेट और डुप्लेट रूल पढ़ा है। ऑक्टेट और डुप्लेट रूल सभी बच्चों ने पढ़ा है कि ऑक्टेट डुप्लेट रूल क्या होता है। बच्चों ऑक्टेट रूल कहता है कि आउटर मोस्ट शेल मस्ट कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन अगर वह स्टेबिलिटी चाहता है तो, अगर वह अपने आप को स्टेबल करना चाहता है तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। डुप्लेट रूल कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन है तो भी स्टेबल है, ज्यादा छोटे एलिमेंट से लगता है जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, यहां तक बच्चों चलता ही है दो इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट। लेकिन मोस्टली जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स हैं वे ऑक्टेट रूल ही फॉलो करते हैं। मतलब आउटर शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है ताकि वह अपने आप को स्टेबल कर सके। इस स्टेबिलिटी के लिए तो बॉन्ड बनते हैं। आदमी अपने पैसे ट्रांसफर करता है किससे, लेता है, क्यों? अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। इसकी रिक्वायरमेंट है स्टेबल होना, अपने ऑक्टेट को पूरा करना, अपने डुप्लेट को पूरा करना, अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना, अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करना। इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड बनते हैं। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले बच्चों की है कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। आपको बताएगा शेयरिंग से बनता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, डबल इलेक्ट्रॉन और ट्रिपल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हम पढ़ेंगे। और ये क्यों होता है शेयरिंग, क्यों होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ताकि वह ऑक्टेट और डुप्लेट के लॉन्ग अपने आप को क्या कर सके, स्टेबल कर सके। ऑक्टेट ने कहा 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्टेबल, डुप्लेट ने कहा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्टेबल। तो यही चीज तो पूरा करने के लिए शेयरिंग होती है। क्यों ये इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं? टू मेक देम स्टेबल, टू मेक इटसेल्फ स्टेबल। ये इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, इलेक्ट्रॉन का गेन होना, इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड होना, ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है किस वजह से? बच्चों अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के काम। तो चलिए स्टार्ट किस तरीके से हमारे अलग अलग कोवेलेंट बॉन्ड एक्सिस्ट करते हैं, हम उसके ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट सिंगल बॉन्ड ही हम लोग कंसीडर करेंगे। हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक और हाइड्रोजन है, मान लीजिए उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। या और भी एग्जांपल साथ साथ लिखता हूँ, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ठीक है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन बाद लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। बच्चों हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ ऑक्टेट और डुप्लेट रूल, बताए थे आपको कि ये क्यों रूल बनाए गए। कोई भी एटम अपने आप को अगर स्टेबल चाहता है तो चाहता है कि उसके आसपास 8 इलेक्ट्रॉन हो, उसके आसपास 2 इलेक्ट्रॉन,
हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, वो तो स्टेबल नहीं है। तो उसने बोला कि भाई आपके पास भी तो एक इलेक्ट्रॉन है, इस साइड पे एक इलेक्ट्रॉन है, इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन है। कह रहा मेरे को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, कह रहा मेरे को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उसने कहा चल मैं तेरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता हूँ, मेरे दो हो गए, देख हाइड्रोजन दो हो गए, पर एक उसका खुद का है, एक दूसरा हाइड्रोजन का। तो दूसरा हाइड्रोजन का भाई फिर तो आपका इलेक्ट्रॉन भी मैं शेयर कर सकता हूँ। तो ये दो इलेक्ट्रॉन अब इसके भी हैं और ये दो इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, ऑक्टेट नहीं, यहाँ डुप्लेट रूल आपका फॉलो हो गया। डुप्लेट कहता भाई इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए ना, दो इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन था, उसमें नियरेस्ट हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो कैसा बॉन्ड बन गया बच्चों, सिंगल बॉन्ड, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। यहां हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन पे कितना है, एक दो तीन चार पांच छ सात, आपको पता होगा क्लोरीन सात कैसे लिख रहा हूं, एटॉमिक नंबर 17 होता है क्लोरीन का, 2 8 7 9 क्लास आपने पढ़ा है, तो लास्ट शेयर में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 है होने चाहिए 8, इसके पास एक, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी एक चाहिए, इसने क्लोरीन के साथ शेयरिंग कर लिया, तो हाइड्रोजन का ही पूरा हो गया, लेकिन हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हुआ है और क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हुआ है, एक दो तीन चार पांच छह सात तो थे, एक हिस्सा ले लिया। यहां भी कैसा बॉन्ड बना बच्चों, सिंगल बॉन्ड बना। लेकिन मान लीजिए ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, उसके लास्ट में होते हैं 6, एक और ऑक्सीजन है उसके पास भी 6 है और कितने की डिमांड कर रहा है, 2 की, इसके बाद 6 है कितने डिमांड कर रहा है, 2 की। के कह रहा मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने कहा मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कहा भाई ठीक है ले ले भाई 2 इलेक्ट्रॉन यहां से ले ले, इसका यहां से हम भी लेंगे, फिर इससे बच्चों डबल बॉन्ड बन गया, ऑक्टेट पूरा, ऑक्टेट पूरा। नाइट्रोजन है बच्चों, नाइट्रोजन के पास लास्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 3 और 2 5, 3 और 2 5 भाई 5 है, इसको 3 और चाहिए, इसे 3 उससे ले लिए, इसने भी 3 इससे ले लिए और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीके से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सब में क्या देख रहे हैं, शेयरिंग हो रहा है, ये 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर रहा है, फिर ये 3 शेयर कर रहा है, ये 2 शेयर कर रहा है, ये 2 शेयर कर रहा है, ये 1 शेयर कर रहा है, वो भी 1 शेयर कर रहा है, तो ये बच्चों आपके क्या बन रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जांपल और लेते हैं वाटर का, ऑक्सीजन के अराउंड 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 है ना, और ये कितने होते हैं, 6, हाइड्रोजन के पास 1, हाइड्रोजन के पास 1, एक ही उस पे उसने एक ऑक्सीजन के साथ ले लिया, हाइड्रोजन के पास एक है, उसने एक और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से शेयर कर लिया, तो ऑक्सीजन पे 6 थे, एक उसके साथ शेयर कर लिया और एक इसके साथ, तो 6 थे, एक यहां से मिल गया, एक यहां से, ऑक्टेट पूरे 6 थे ना, देखे ना, 1 2 3 4 5 6, एक उससे ले लिया और एक इससे ले लिया, बना लिया भाई वाटर बन गया, सिंगल बॉन्ड इधर, सिंगल बॉन्ड इधर। ऐसे बहुत सारे आप कोवेलेंट कंपाउंड बना सकते हो, नाइट्रोजन के अराउंड चले आप 4, नहीं नाइट्रोजन के अराउंड चले 3 हाइड्रोजन आप रखिए, 1 2 और 3, तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन पे 1, हाइड्रोजन पे 1, हाइड्रोजन पे 1, तो इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया नाइट्रोजन से, इस हाइड्रोजन ने ले लिया, इस हाइड्रोजन ले लिया, तो नाइट्रोजन बची टोटल 5 ना, सॉरी 8, तो 2 इस पे है मतलब 5 पहले से है, एक इससे मिल गया 6, एक इससे मिल गया 7, एक इससे मिल गया 8, हो गया कंप्लीट। इस तरीके से बच्चों इतने सारे कोवेलेंट कंपाउंड बनाए हमने, सब में आप क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन के पास 6 है तो 2 लेगा, एक इधर से एक इधर से, नाइट्रोजन मतलब 5 तो 3 हाइड्रोजन, 3 ले लिया उसने, ऑक्सीजन के पास 6 तो 2 मिलने चाहिए, बगल के 2 थे शेयर कर रही, तो सब बच्चों जो आप देख रहे हैं ये सब आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स। पर इन कोवेलेंट बॉन्ड की इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती जितनी आयनिक बॉन्ड की होती है, आप जानते हैं वो बिजनेस ज्यादा नहीं चलता जो शेयरिंग से बने, शेयरिंग से बिजनेस जल्दी टूट ही जाते हैं, वैसे कोवेलेंट बॉन्ड बच्चों शेयरिंग से बन रहा है, इतना ज्यादा ये स्टेबल नहीं रहता, बहुत जल्दी टूट जाता है, इससे इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। दूसरी तरफ अगर आयनिक बॉन्ड है,
आयनिक बॉन्ड है, पैसों का लेन देन जहां होता है, ठीक है, आपने किसी को दिया, अपना खुद का है आपके पास, तो वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। वजह होता है बच्चों, आयनिक बॉन्ड में आयंस के बीच में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान रखिए बच्चों, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में से आप आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा देंगे, क्योंकि वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा होता है। तो मेरे ख्याल से आपको कोवेलेंट बॉन्ड सारे क्लियर होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड बनाना तो आपको आ गया है, लेकिन आज जो मैं आपको अगले कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा हूँ वो थोड़ा टिपिकल है, थोड़े से ज्यादा। जैसे मैं आपको कुछ कार्बन के कंपाउंड्स अभी हम डिस्कस करेंगे, हाइड्रोकार्बन का लेक्चर लेके पूरा, ठीक है। आज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। C2H6 है, C3H8, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इतना ध्यान रखिए, आप सबने पढ़ा है कार्बन का वैलेंसी होता है चार, जैसे एक कार्बन है तो चार वैलेंसी ऐसे छोड़ दीजिए, यहां दो कार्बन है तो पहले एक कार्बन लीजिए, उसके अराउंड चार वैलेंसी, और एक और कार्बन है तो उसको जोड़ दीजिए, उसका चार वैलेंसी, तो एक तो यही हो गया, एक दो तीन चार, ऐसे रखिए बच्चों। कार्बन वैलेंसी चार है, बस पूरा फोकस पे रखिए, कार्बन का वैलेंसी चार है, एक दो तीन चार, एक और कार्बन है जोड़ दीजिए, एक दो तीन, इधर ही हो गया चार, एक और कार्बन जोड़ दीजिए, एक दो तीन और चार इधर, और बचे हुए हाइड्रोजन देखिए, चार हाइड्रोजन लगा दीजिए, लगा दीजिए, तीन हाइड्रोजन इसके पास, तीन हाइड्रोजन इसके पास, छह हो गया ना, देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ। अब मजा आने वाला है कि अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने वाले, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगा, इसका बनाऊंगा, और ये आप खुद बनाएंगे। तो देखिए बच्चों कैसे, कार्बन के अराउंड कितना बॉन्ड, एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन अराउंड चार होता है, चार ना, एक दो तीन चार, दिख रहा है सिंगल बॉन्ड ही है, तो आपके माइंड में बैठा हुआ है सिंगल बॉन्ड है, बनाना मेरे को सिंगल बॉन्ड ही। अब हाइड्रोजन लगाइए इसके साथ, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और एक हाइड्रोजन इधर। हाइड्रोजन को पूरा कीजिए पहले, डुप्लेट 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 डुप्लेट, कार्बन के पास चार थे, एक दो तीन चार, एक इससे ले लिया पांच हो गए, एक इससे ले लिया छह हो गए, एक इससे ले लिया सात हो गए, एक इससे ले लिया आठ हो गए, आठ हो गए, बन गया डायग्राम। नहीं आया मजा, इसमें आ जाएगा, इस कार्बन कह रहा हूं एक दो तीन चार, ठीक है, इस कार्बन चार बना दिया आपने, फिर इस कार्बन की एक दो तीन चार, फिर हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और एक इधर। पहले हाइड्रोजन को पूरा कीजिए, डुप्लेट 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 और डुप्लेट। इस कार्बन कंप्लीट, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, चार, एक दो तीन चार, कार्बन का एक दो तीन चार, एक इधर से ले लिया पांच छ सात, और एक इससे लेगा ना, इस वाले कार्बन से, देखिए इस कार्बन के पास एक दो तीन चार खुद का, पांचवे इधर से ले लिया, छठा सातवा, और एक इस कार्बन से आठ। देखिए बच्चों, कार्बन के पास एक दो तीन चार खुद का, पांचवा हाइड्रोजन का, छठा हाइड्रोजन का, सातवा हाइड्रोजन का, और एक इस कार्बन का, ऐसे कार्बन के साथ चार से खुद के, पांच छह सात, और एक इधर से आठ। कितना सुंदर डायग्राम है। ऐसे बच्चों आप इसका भी बना सकते हैं, एक बार इसको बनाइए बच्चों, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से, इसी को आप कंटिन्यू कर, बिल्कुल सेम ऐसे, जैसे कहा कार्बन के पहले इस कार्बन के चार बनाइए, एक दो तीन चार, फिर इसके बनाइए एक दो तीन चार, फिर इसके बनाइए एक दो तीन चार, फिर शेयर करते रहिए, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा आज का लेक्चर कि हम लोग किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है बच्चों, ये काफी मजेदार है, सिंगल बॉन्ड का है, डबल बॉन्ड का भी बनाएंगे हम लोग, ठीक है, चलिए इसको आप ट्राई कीजिए आप लोग।